नमस्कार, मैं मुमताज जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। डालते हैं नजर आज की खबर पर। सांगली के अमनापुर स्थित प्रगति विद्या मंदिर में पूर्व विद्यार्थियों का सम्मेलन बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। 1962 से लेकर अब तक के विद्यार्थियों के कार्यक्रम में शिरकत की। कई विद्यार्थियों ने अपने संबोधन के दौरान स्कूली जीवन की यादों को ताजा किया। बलूच तहसील के शिक्षा के आंदोलन में साधना शिक्षण संस्था के प्रगति विद्या मंदिर का बहुत बड़ा योगदान है। सन 1962 से लेकर आज तक इस विद्यालय के छात्रों ने उद्योग, खेती, खेल, साहित्य, राजनीति आदि क्षेत्रों में इन छात्रों ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। इन सभी छात्रों को एक साथ इकट्ठा करने के इरादे से यह स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्कूल के पूर्व विद्यार्थी और पूर्व समाज कल्याण संचालक डॉक्टर बाजीराव पाटिल ने स्कूल के विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाने हेतु 10वीं कक्षा में अच्छे नंबर लेने वाले विद्यार्थियों के लिए हर साल 5,000 रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की। साथ ही श्री डी पाटिल के याद में भाषण स्पर्धा का आयोजन करने की मंशा जाहिर की। महाराष्ट्र के सांगली से अशोक पवार की रिपोर्ट।